गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर सिक्स विच इज लाइव प्रोसेस सो वॉट इज लाइफ प्रोसेस एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड डिराइव एनर्जी पासिस आउट वेस्ट मटीरियल एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस विद इन देयर बॉडी एंड एनवायरमेंट ऑल दीज एक्टिविटीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइव प्रोसेसिस मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरमेंट से फूड लेता है उस खाने से वो एनर्जी ऑप्टेन करता है और जो खाना उसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती उसको एज अ वेस्ट अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है या अगर उसके बॉडी के अंदर कोई चेंज आता है फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई डिजीज हो जाती है तो वो अपनी बॉडी के अंदर उसको फील कर सकता है और उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है या उसके एन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए फॉर एग्जांपल उसके एन्वायरमेंट में एकदम से कोई डेंजर आ गया कोई डॉग उसके अराउंड आ गया तो वो उस चेंज इन एनवायरमेंट को उस डेंजर को सेंस कर सकता है और रिस्पॉन्स कर सकता है तो इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं और ये लाइफ प्रोसेसेस जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है न्यूट्रिशन डाइजेशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन दीज ऑल आर दी लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी for the survival of an living organism now we will go into the define of all of these one by one first is nutrition the process of obtaining digestion absorption di distribution and utilization of food is called nutrition means the, uh, the process वो प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना ओपटेन करता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना अपना मूड होता है जिससे वो खाना ऑपटेन करते हैं फिर वो उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं डाइजेस्ट मींस इस तरीके इस फॉर्म में उसको बना देते हैं कि बॉडी का हर एक सेल उसको यूटिलाइज कर पाए इस डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में एब्जॉर्बन होता है और ब्लड इस डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी के हर एक सेल के पास ले जाता है ताकि हर एक बॉडी सेल उस फूड की एनर्जी को यूटिलाइज कर सके इसको क्या कहा जाता है न्यूट्रिशन कहा जाता है देन डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्सॉर्जेबल फॉर्म दिस मीन्स लाइक द फूड वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी सो द फूड हैज टू बी कन्वर्टेड इन दैट फॉर्म विच कूड बी डायजेस्टेड बाई ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी सो द फूड हैज टू गो थ्रू दी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अवर बॉडी तो कॉम्प्लेक्स फूड को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जो कि कहाँ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है ताकि बॉडी का हर एक सेल जो है उसको यूटिलाइज कर पाए उसको क्या कहते हैं डायजेस्टन कहते हैं अब ये जो डायजेस्टेड फूड है ये हरेक सेल तक पहुंच तो गया लेकिन हरेक सेल इसमें से एनर्जी तभी ऑप्टेन कर पाएगा जब उसके पास ऑक्सीजन है जो कि किसके थ्रू आएगी ब्रीदिंग के थ्रू आएगी सो so जब ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा मींस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा और एनर्जी निकलेगी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन सो so, रेस्पिरेशन means द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू obtain एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन तो जब इस डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उस फूड में से जब एनर्जी निकल जाएगी उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे रेस्पिरेशन देन इज द ट्रांसपोर्टेशन as you know कि human body या कोई भी एक animal की जो body होती है multicellular organism ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके लिए डिफ्यूजन का प्रोसेस काफी नहीं है कि हर एक बॉडी के सेल के पास खाना या ऑक्सीजन पहुंच सके तो उसके लिए उसे क्या चाहिए एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए ताकि वो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सके अब वो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह किस किस चीज के लिए ले लेके जा सकता है या तो उसके यूज के लिए जैसे कि फूड को सेल्स तक ले जाया जाए ताकि उसमें से एनर्जी निकाली जाए या स्टोरेज के लिए जैसे कि फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टोरेज ऑर्गन्स तक जो है फूड को ले जाया जाए या फिर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट वेस्ट के एलिमिनेशन के लिए उसको सिस्टम तक लेके जाया जाए ताकि वो बॉडी से रिमूव हो सके देन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बिकॉज विद द हेल्प ऑफ यूरिन अवर बॉडी गेट रिड ऑफ nitrogenous waste and the major nitrogenous waste which our body produce is urea. right So how this nitrogenous waste is produced protein and that protein contains nitrogen. So that nitrogenous waste has to be removed from our body and it is removed with the process of excretion and it is carried out in excretory system.

फूड लेने चाहिए लाइक like मिल्क लेना चाहिए बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बोन्स या आपको अच्छे अमाउंट में ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिजीज से फाइट कर पाए उसकी बोड़, आपकी बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो, हो पाए तो ये सारे प्रोसेस किस में आता है न्यूट्रिशन में आता है न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि खाने को ओपटेन करके खाना कहाँ से ओपटेन किया जाता है बॉडी के बाहर से ओपटेन किया जाता है अब खाने को के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं तो एक तरीके से सब सबका मेन पर्पस क्या है कि बॉडी के बाहर से वो खाने को ऑप्टेन करते हैं और उस खाने से वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकें रोज की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके उनकी बॉडी में ग्रोथ हो सके डेवलपमेंट हो सके नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म है अपना खाना ओपटेन कर रहा है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वन इज ऑटोट्रोफिक एंड अदर वन इज दिट्रोट्रोफिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं ऑटोट्रोप्स कहते हैं ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है दोज ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म शोज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड मटेरियल्स लाइक सीओ टू वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एक्चुअली में दिस प्रोसेस इज वॉट दिस इज फोटोसिंथेसिस सो मीन्स

और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनो बैक्टीरिया वो भी इस प्रोसेस को शो करते हैं दिस इज द रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज द बाई प्रोडक्ट इन दिस फोटो सिंथेसिस सो फोटो सिंथेसिस में जो भी एनर्जी ऑप्टेन होती है जो भी खाना बनता है उसमें से कुछ खाना जो है प्लांट जो है अपने एनर्जी के लिए बचा के रख लेता है अपनी एनर्जी के लिए यूज कर लेता है और बाकियों को वो स्टोरेज ऑर्गन्स में भेज देता है जैसे कि स्टेम में भेज दिया या किसी रूट में भेज दिया और वहां पे जाके वो स्टोर हो जाते हैं विच कैन बी यूज लेटर ऑन सो जो एनर्जी प्लांट इमीडिएटली यूज नहीं करता फोटोसिंथेसिस के बाद बल्कि उसको बचा के रख लेता है फ्यूचर के लिए तो वो किस फॉर्म में करता है स्टार्च की फॉर्म में ठीक है सो द एनर्जी विच इज नॉट यूटिलाइज इमीडिएटली बाय प्लांट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और वही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो है वो किस फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन तो अगर हम बात करें व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल जो प्लांट के पास ऑलरेडी होता है प्लांट के लीव्स में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि लीव्स आर द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दे कंटेन क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं वाटर वाटर प्लांट को कैसे मिलता है थ्रू द रूट्स एंड सनलाइट सनलाइट को कौन कैप्चर करता है क्लोरोफिल कैप्चर करता है नाउ व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या 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 चीजें होती हैं? सबसे पहले है एब्सॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल प्लांट का ये लीफ है इसके ऊपर क्या पड़ेगी सनलाइट पड़ेगी तो जो सनलाइट है उसको कौन कैप्चर कर लेगा उसको जो कैप्चर कर लेगा प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या है क्लोरोफिल है क्लोरोफिल उस सनलाइट को क्या कर लेगा कैप्चर कर लेगा फिर ये लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी केमिकल एनर्जी क्या है अगर ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज क्या है केमिकल ही है उसका एक फॉर्मूला है तो वो क्या है एक केमिकल है तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर क्या है एच है तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या है स्प्लिटिंग का मतलब है टूटना वाटर का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाना देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स जो सीओ टू रिएक्शन में यूज हो रही थी ठीक है सीओ टू इज दी इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस सीओ टू इज द रिएक्टेंट तो सीओ टू का रिडक्शन होने का मतलब क्या है रिडक्शन एक तरीके से क्या होता है या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो यहां रिडक्शन ऑफ सीओ टू का मतलब क्या है यहां पे हाइड्रोजन जो है वो तो यूटिलाइज हो जाएगी किसकी फॉर्मेशन में ग्लूकोज की फॉर्मेशन में और ये जो ऑक्सीजन है ये बचा रह जाएगा विच इज प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस तो ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है इतना असेंशियल प्रोसेस है कि यह सिर्फ हमें खाना नहीं दे रहा बल्कि ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहा है सांस लेने के लिए सो so, लीव्स में क्या होते हैं छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं जिनको क्या कहा जाता है स्टोमेटा कहा जाता है जो कि गैश एक्सचेंज में हेल्प करती हैं मींस सीओ टू का अंदर लेके जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना ये किसकी हेल्प से होता है स्टोमेटा की हेल्प से होता है अब स्टोमेटा जो है अगर दिन के टाइम में खुले रहेंगे हमेशा तो क्या होता है ट्रांसपीरेशन भी हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू मीन्स वाटर का लॉस भी स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है तो उसके लिए उससे बचने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा के अराउंड गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स क्या करते हैं रेगुलेट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मीन्स गार्ड सेल्स जो है जब फोटोसिंथेसिस करनी होगी तो वो क्या करेंगे वो श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा एंड दी सो जब स्टोमेटा के थ्रू गैश एक्सचेंज होना है तो उस टाइम पे जो गार्ड सेल है वो क्या करेगा वो पानी को गेन कर लेगा और स्वेल हो जाएगा एंड स्टोमेटा विल गेट ओपन तो गैश एक्सचेंज जो है उस टाइम हो सकता है एंड जब फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा उस टाइम पे गार्ड सेल्स जो है वो अपना पानी लूज कर देगा श्रिंक हो जाएगा और उसके अंदर से जो गैश एक्सचेंज है वो होना बंद हो जाएगा नेक्स्ट इज द हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सो जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम हिट्रोट्रॉफ्स कहते हैं बिकॉज वो अपनी एनर्जी जो है वो बाहर से ओपटेन करते हैं लाइक वी आर ऑल्सो एनिमल्स बिकॉज वी कैन नॉट मेक अवर Make, we cannot make our own food, so we are also heterotrophs. हिट्रोड्रॉफ्स तो mein में कौन कौन से aate आते हैं जो अपना jo जो है खुद nahi नहीं कर सकते ye जो food हो सकता होता है वो प्लांट्स की फॉर्म में भी हो सकता है और एनिमल्स की फॉर्म में भी हो सकता है जैसे कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट फूड खाते हैं और जो कार्निवर्स होते हैं या वो क्या खाते हैं सिर्फ एनिमल फूड खाते हैं लाइक मीट और जो ओमनीवोर्स होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं सो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन आते हैं हिट्रोट्रोप्स ऑर्गेनिजम्स दोनिज्म कैन नॉट हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट इज सेप्रोफिटिक सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं वो खाना डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑबेन करते हैं ये क्या करते हैं मान लो ये फूड है तो ये क्या करेंगे फूड के ऊपर पहले बाहर से एंजाइम्स डालेंगे इनके ऊपर एंजाइम्स रिलीज करेगा ऑर्गेनिज्म ये एंजाइम्स की हेल्प से क्या होगा ये खाना डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी के बाहर ही फिर इस डाइजेस्टेड खाने को जो ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम करेगा ठीक है इस टाइप की डाइजेशन को हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी कहते हैं ये किस किस में होती है यीस्ट में होती है ब्रेड मोल्ड्स मशरूम दीज ऑल आर टाइप ऑफ फंगस एंड दे आर ऑल्सो दी डिकम्पोजर्स बिकॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक तरीके से वो डिकम्पोजर्स का ही काम करते हैं देन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एग्जाम्पल हमारा होता है हम क्या करते हैं फूड जो भी खाना है उसको डायरेक्टली माउथ में ले लेते हैं एंड देन वो उसको हमारी बॉडी जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट करती है देन इट इज एब्जॉर्ब्ड इन साइड द बॉडी इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा देन पैरासिटिक पैरासिटिक में क्या होता है ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे चिपक के ओपटेन करते हैं बट उनको किल नहीं करते अब ये बॉडी के बाहर भी लग सकते हैं और बॉडी के अंदर भी चिपकके उनसे खाना ऑपटेन कर सकते हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कुछ प्लांट्स का भी होता है क्योंकि कई बार जो प्लांट्स है या तो वो खाना उनके पास या तो वो प्रॉपरली उनके पास क्लोरोफिल नहीं है या वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो इंसेक्ट पे फीड करते हैं तो कस्कटा एंड ऑर्किड्स दे आर पैरासिटिक प्लांट्स देन टिक्स लाइज लीचिस टे वर्म दीज ऑल आर दी पैरासिटिक एनिमल्स now we talk about the nutrition in unicellular organism let us take the example of amoeba now amoeba is a single celled organism is a unicellular organism so this is the uh, body shape of amoeba this is the nucleus this is the cytoplasm and here is the food particles uh, amoeba generally feeds on the very small animals so this is the food for particle for the amoeba ना वट अमीबा विल डू अमीबा से क्या निकलेगा फिंगर लाइट प्रोजेक्शन निकलेगा जिसको सूडोपोडिया कहेंगे सूडोपोडिया जो है इस फूड पार्टिकल को कम्प्लीटली कवर करके और अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा आफ्टर दैट जो अमीबा है उसकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इसको डाइजेस्ट करके और पूरी बॉडी में फैला देंगे डाइजेस्टिड प्रोडक्ट को एंड दिस इज हाउ द अमीबा विल ऑब्टेन इट्स एनर्जी अब अमीबा में एक चीज क्या है कि जैसे ये फूड पार्टिकल यहां है तो यहां सूडोपोडिया बन गया अगर ये फूड पार्टिकल यहां होता तो सूडोपोडिया भी यहां बन जाता फूड पार्टिकल यहां होता तो सूडोपोड़िया यहां बन जाता वही अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम का बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है फूड ऑप्टेन करने का लेकिन ये फूड को एक स्पेसिफिक जगह से ही लेता है विच इज कॉल्ड एज दी स्पेसिफिक स्पॉट जो कि किसकी हेल्प से हो पाता है सीलिया की हेल्प से लाइक like, this दिस इज दी शेप ऑफ दैरामीशियम एंड हेयर इज द स्पेसिफिक स्पॉट ऑफ पैरामीशियम खाना मान लो यहां पर है तो ये सीलिया जो बने, बनाए है इन सीलिया की हेल्प से ये जो खाना है ये स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंचेगा और जो है Food under Jaga, then the food will be digested and Paramecium will obtain its energy. So I hope this topic is clear to you. Tomorrow we will start with the topic nutrition in human beings. Till then, take care and God bless you all.